हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सीआरपीसी का चैप्टर 22 जो है उसके बारे में। ये चैप्टर बात करता है अटेंडेंस ऑफ ए पर्सन कन्फाइंड और डिटेन इन प्रिजन, कि अगर कोई व्यक्ति है वो अगर जेल के अंदर है, किसी प्रिजन के अंदर है, तो उसकी अटेंडेंस अगर कोर्ट में चाहिए तो वो किस तरह से की जाएगी, ये सब बात चीज़ों के बारे में चैप्टर बात करता है। इस चैप्टर के अंदर जो सेक्शन है वो 266 से लेकर और हमारे 271 तक है जो इसके बारे में बताते हैं। तो सेक्शन 266 जो है वो बताता है डेफिनेशन के बारे में। इसमें डेफिनेशन दी गई है डिटेन की और प्रिजन की। डिटेन का मतलब क्या होता है, डिटेन को अंदर में इंक्लूड करते हैं अंडर एनी लॉ फॉर प्रोवाइडिंग प्रिवेंटिव डिटेंशन, कि किसी भी लॉ के अंदर अगर किसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए उसकी डिटेंशन की गई है, उसको रखा गया है, तो उसे डिटेन बोलेंगे। कोई भी अपराध वगैरह को रोकने के लिए उसे किसी जगह पे बंद रखा गया, मतलब उसको रोका गया, रखा गया, डिटेन उसको बोलते हैं। उसको डिटेन किया गया, सिर्फ रखा गया, उसको कोई कैद नहीं हुई, उसको रखा हुआ है किसी अपराध को रोकने के लिए, प्रिवेंटिव डिटेन के लिए रोका है कि वो अपराध ना करे, तो उसके लिए डिटेन होती है। होती है प्रिजन। प्रिजन होती है कि जब उसके ऊपर कोई चार्ज लगे या कोई उसको सज़ा हो गया तो वो प्रिजन के अंदर रखा जाता है। एनी प्लेस विच हैज बीन डिक्लेयर बाय द स्टेट गवर्नमेंट बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर टू बी सब्सिडी जेल। प्रिजन मतलब एक जेल होती है जहाँ पे व्यक्ति को रखा जाता है, या कोई एनी रिफॉर्मेटरी जहाँ पे सुधार के लिए जैसे जुवेनाइल वगैरह को रखा जाता है बच्चों को वहाँ पे, या ब्रोस्टल इंस्टीट्यूशन और अदर इंस्टीट्यूशन ऑफ लाइक नेचर। ये सब डेफिनेशन इस सेक्शन में दी गई हैं। ये सेक्शन में इसलिए दी गई कि जो इसमें हमने चैप्टर का नाम ही डिटेन इन प्रिजन है, कि किस व्यक्ति को कोर्ट के अंदर जेल या प्रिजन से लाया जाएगा या डिटेन से लाया जाएगा। तो सेक्शन 267 जो है इसी का वो कहता है पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ द प्रिजनर, कि इसके अंदर बताई गई है पावर के बारे में अटेंडेंस ऑफ प्रिजनर्स के। इसमें जो हमारा सब सेक्शन 1 है वो कहता है वेन एवर इन कोर्स ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग, या तो कोई ट्रायल चल रहा है या प्रोसीडिंग चल रही है या इंक्वायरी चल रही है, ठीक है, इट अपीयर टू क्रिमिनल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट मतलब कि मजिस्ट्रेट हो गया या सब या असिस्टेंट या सेशन जज हो गया, उसको ऐसा लगता है दैट द पर्सन कन्फाइंड और डिटेन इन प्रिजन शुड बी ब्रॉड बिफोर द कोर्ट, कि उसे कोर्ट के सामने लाया जाना चाहिए जो पर्सन जेल में है या डिटेन में है, फॉर आंसरिंग टू ए चार्ज, कि उस पर जो चार्ज लगाए गए हैं उस चार्ज का आंसर देने के लिए, किसी भी ऑफेंस के बारे में चार्ज लगाए गए हैं, और फॉर द पर्पज ऑफ एनी प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम, या उसके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग चल रही है उसका आंसर देने के लिए उसको बुलाना चाहता है कोर्ट, या फिर दैट इट इज़ नेसेसरी फॉर द एंड ऑफ जस्टिस टू एग्जामिन सच पर्सन एज ए विटनेस, या जो पर्सन डिटेन किया गया है या जो प्रिजन के अंदर रखा गया है उसको एज ए विटनेस भी बुलाना चाह रहा है कोर्ट, तो भी उसको अपीयर करने के लिए कह सकता है। अब इसमें बताया गया है दैट कोर्ट में मेक एन ऑर्डर, अब उसकी अटेंडेंस कोर्ट कैसे करेगा, कोर्ट एक ऑर्डर देगा रिक्वायरिंग द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द प्रिजन, जिस प्रिजन में वो है, जिस जेल में वो है, उसके ऑफिसर इन चार्ज को वो एक ऑर्डर पास करेगा टू प्रोड्यूस सच पर्सन बिफोर द कोर्ट, कि उसे कोर्ट के सामने लाया जाए फॉर द आंसरिंग टू चार्ज, कि उस पर जो चार्ज लगा ऑफेंस का उसका आंसर देने के लिए, कि भाई ये तुम्हारे पास जो चार्ज लगा है तुम उसको लिए प्लेड गिल्टी करते हो या नहीं करते हो, या मानते हो या नहीं मानते हो, और फॉर द पर्पज ऑफ सच प्रोसीडिंग और एज केस में भी गिविंग एविडेंस, या एविडेंस के लिए प्रोसीडिंग के लिए। अब इसी में सब सेक्शन 2 कहता है सेक्शन 267 का, कि अब मान लो जो जो मजिस्ट्रेट है उसने जो ऑर्डर पास करा है, कि वेयर एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 1 इज मेड बाई मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास, सेकेंड क्लास का जो मजिस्ट्रेट उसने ऑर्डर किया, इट शैल नॉट बी फॉरवर्डेड और एक्टेड अपॉन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द प्रिजन, कि प्रिजन का जो ऑफिसर इन चार्ज है उसके ऊपर तब तक एक्ट नहीं करेगा अनलेस इट इज काउंटर साइन बाई द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट टू होम सच मजिस्ट्रेट इज सबॉर्डिनेट, कि जब तक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिसका कि सेकेंड क्लास का जो मजिस्ट्रेट है वो सबॉर्डिनेट है, तब तक जब तक वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साइन नहीं करेगा तब तक जो ऑफिसर इन चार्ज है वो उस ऑर्डर को नहीं मानेगा। इसी में सब सेक्शन 3 कहता है एवरी ऑर्डर सबमिटेड फॉर काउंटर साइनिंग अंडर सब सेक्शन 2 शैल बी अकंपनीड बाय स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट,
कि जो ऑर्डर वो देगा उसके फैक्ट बताएगा जो हमारा जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है, ठीक है, इन द ओपिनियन ऑफ द मजिस्ट्रेट रेंडर द ऑर्डर नेसेसरी एंड द चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट टू होम इट इज सबमिटेड मे आफ्टर कंसीडरिंग सर स्टेटमेंट, उसकी स्टेटमेंट को पढ़ेगा और काउंटर साइन करने से मना भी कर सकता है वो इसके अंदर। तो उसके बाद सेक्शन 268 कहता है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सक्लूड सर्टन पर्सन फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ सेक्शन 267। कई बार जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो भी 267 में जो ऑर्डर पास किया उसके लिए उसको एग्जीक्यूट करने से मना करवा सकता है। तो उसके लिए कई ग्राउंड्स हैं कि उसे लगता है कि जिस पर्सन को ले जाएंगे वो उससे कुछ जो है डिस्टर्बेंस हो सकती है पब्लिक इंटरेस्ट के कारण या कोई और रीजन के कारण वो उसको रुकवा सकते हैं, या फिर जो सेक्शन 269 कहता है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ प्रिजंस टू एब्सटेन फ्रॉम कैरिंग आउट ऑर्डर इन सर्टन कंटिजेंसीज, कि जो ऑफिसर इन चार्ज है वो भी कई केसेस के अंदर उसको रोक सकता है। जैसे कि जब ऑर्डर उसको मिला उसके बाद उसने देखा कि 267 का ऑर्डर मिला, उसने देखा जिस पर्सन को लेकर जाना है वो बीमार है और उसको वहाँ से रिमूव नहीं किया जा सकता तो वो उसे एब्सटेन कर सकता है, या इज अंडर कमिटल फॉर ट्रायल और अदर रिमांड पेंडिंग ट्रायल फॉर पेंडिंग प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के लिए है, या फिर जो पर्सन जो कस्टडी में है अब मान लो उसको कोर्ट ने कहा कि भी आपको इसको 10 जनवरी को लाना है लेकिन उसकी जो कस्टडी है वो 5 जनवरी को ख़त्म हो जाती है तो उस केस में भी उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता क्योंकि उसको वो तो पहले ही कोर्ट से रिलीज जाएगा। और इस पर्सन टू होम द ऑर्डर मेड बाई स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 2 अप्लाईज, या फिर गवर्नमेंट उसको रोक देती है 268 के अंदर, तो ठीक है तो वो इस केस के अंदर वो उसको नहीं लेके आ पाएगा। लेकिन वो इस सब केस के अंदर कोर्ट को जो है अपनी स्टेटमेंट बताएगा, रीज़न बताएगा कि वो क्यों नहीं लेकर आ रहा है। अब इसी में आता है प्रिजंस टू बी ब्रॉट टू कोर्ट इन कस्टडी, टू सेक्शन 270 कहता है कि प्रिजनर टू बी ब्रॉट इन कोर्ट इन कस्टडी की सब्जेक्ट टू प्रोविजन क्या है 269, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द प्रिजन सेल अपॉन डिलीवरी ऑफ द ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 1 द ड्यूली काउंटरसाइन वेयर नेसेसरी अंडर सेक्शन 2 कॉज द पर्सन नेम्ड इन ऑर्डर टू बी टेकन टू कोर्ट इन सच इज अटेंडेंस इज रिक्वायर्ड जस्ट टू प्रेजेंट देयर एट टाइम मेंशन इन द ऑर्डर सेल कॉज हिम टू बी केप्ट इन कस्टडी इन और नियर द कोर्ट अंटिल ही हैज बीन एग्जामिनड। आगे अगर मान लो उसको कोर्ट में लेकर आता जब तक कि वो बंदा एग्जामिन नहीं होगा तब तक उसे वो अपनी कस्टडी में रखेगा, कोर्ट के अंदर भी एक थोड़ी प्रिजन होती है वहाँ पे भी रख सकता है तो वो अपनी कस्टडी के अंदर रखता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में ये बात करता है सेक्शन